वेल तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर जो है ना मैं आप लोगों को ऐसा प्रोसेसर बताऊंगा जो कि काफ़ी अच्छा है, जो कि i7 4790 के बराबर है एंड आप लोगों को परफॉर्मेंस भी जो है ना वो उसी i7 4790 के बराबर देता है, लेकिन प्राइस में इससे आप लोगों को काफ़ी कम मिल जाएगा। जी हाँ गाइज, मैं आज की इस वीडियो के अंदर जो है ना वो Xeon के प्रोसेसर के ऊपर एक जो है ना वो वीडियो बनाने लगा हूँ। आगे चल के मैं आप लोगों को उसका मॉडल नंबर भी बताता हूँ एंड मैंने सोचा क्यों ना Xeon के प्रोसेसर के ऊपर भी कोई वीडियो बना दी जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो मुझे कहते हैं कि यार आप Xeon के ऊपर क्यों नहीं वीडियो बनाते हैं, या बहुत ज्यादा लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं कि किसी Xeon के प्रोसेसर के बारे में जो है ना वो हमें बताया जाए। सो फाइनली हियर इज द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी एजे टेक यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जो कि मैं आप लोगों को प्रोसेसर बताऊंगा उसका नाम है Xeon E3 1276V3, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है जिसकी सेम स्पेसिफिकेशन है i7 4790 के। एंड मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों ने ये परचेज कहाँ से करना है, सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं आप लोगों ने लाहौर हफीज सेंटर से भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप लोग यहाँ से परचेज करें, लेकिन आप लोग यहाँ से पता जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो है ना वो स्पेशली काम ही Xeon का, इन्होंने सिस्टम ही अपने पास Xeon के रखे हुए हैं। तो इनकी शॉप का जो मैं नाम जो भी लिंक वगैरह वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा एंड मैं आप लोगों को डिटेल में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग इसका प्राइसिंग वगैरह भी पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि यार अगर आप लोगों को वाकई मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो अगर हो सके तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रोसेसर के अंदर जो है ना वो आप लोगों को 4 cores and 8 threads देखने को मिलते हैं। हाइपर थ्रेडिंग जो आप लोगों के अन्य है। बेस फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो 3.6 गीगाहर्ट्ज की बेस फ्रीक्वेंसी एंड टर्बो करता है ये 4 गीगाहर्ट्ज तक। 8 MB की आप लोगों को इसके अंदर स्मार्ट कैश इंटेल की तरफ से देखने को मिल जाती है। उसी के साथ-साथ इसकी TDP जो है ना वो अराउंड 85 वाट की है एंड सेम स्पेसिफिकेशन जो है ना वो i7 4790 की है। तो उसकी स्पेसिफिकेशन जो है ना वो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम है। बस लोग ये कहते हैं कि Xeon जो है ना वो सर्वर ग्रेड के CPUs है एंड लिहाजा इन्हें जो है ना वो सर्वर लेवल के कामों के लिए ही यूज किया, कंज्यूमर लेवल के जो लोग हैं या कंज्यूमर लेवल का जो काम करते हैं वो इन जो है CPUs को ना खरीदें। यार मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, पाकिस्तान के जो गेमर्स हैं, उनका बजट बहुत लिमिटेड होता है। वो ये ढूंढ रहे होते हैं कि उन्हें कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस मिल जाए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो Xeon ठीक है, क्योंकि Xeon E3 1276V3 जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया वो इंटेल i7 4790 से आप लोगों को बहुत कम प्राइस में देखने को मिलता है। तकरीबन 6000 का कम से कम फर्क है। ये वाला PC जो है ना इंटेल i7 4790 का पूरा PC जो पूरा बिल्ड है वो आप लोगों को तकरीबन जो है ना वो 27000 के करीब करीब देखने को मिलता है, जिसके अंदर हार्ड ड्राइव होगी 500 GB, एक आई थिंक SSD भी होगी, 8 GB रैम होगी, मदरबोर्ड होगा, प्रोसेसर होगा। तो ये तकरीबन इतने इसके करीब करीब देखने को मिलता है। एंड ये जो E3 1276V3 है Xeon का प्रोसेसर जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ये आप लोगों को तकरीबन 20000 के करीब करीब देखने को मिलता है। तो ह्यूज प्राइस डिफरेंस है, परफॉर्मेंस जो है वो दोनों की इक्वल है। एंड मैंने Xeon का प्रोसेसर के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि आप लोगों को क्यों इसे परचेज करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। मेन के पूरी डिटेल के अंदर मैंने Xeon के प्रोसेसर के ऊपर वीडियो बनाई है, जो कि जिसका के लिंक मैं आप लोगों को आई बटन के ऊपर दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग उसे भी जरूर चेक कीजिएगा। एंड जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि इट्स नॉट अबाउट यू आर परचेजिंग एनी कोर आई सीरीज प्रोसेसर लाइक i7 i5 और यू आर परचेजिंग एनी Xeon प्रोसेसर लाइक E3 1276V3 और E5 2697V2, बल्कि इट्स ऑल अबाउट यू आर परचेजिंग अ PC एंड वो PC आप लोगों को कम से कम पैसों के अंदर आप लोगों की नीड को फुलफिल करता है। अब चाहे वो Xeon हो, चाहे वो किसी Core i सीरीज का i7 या i5 हो, वो आप लोगों ने परचेज कर लेना है। वहां पे ये नहीं देखना कि ये कंज्यूमर लेवल का या ये सर्वर ग्रेड लेवल का, जब वो परफॉर्मेंस जो देता है आप लोगों को गेमिंग के अंदर भी Xeon परफॉर्मेंस देता है। और यहाँ पे प्राइस का भी हमने देखना होता है कि प्राइस में ह्यूज डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो क्यों ना हम लोग लें। बहुत ज्यादा फैक्टर्स अमल करते हैं यहाँ पे, प्राइस भी मैटर करती है हर चीज की। तो प्राइस के लिहाज से देखा जाए बहुत ही अच्छी डील है ये। तो आप लोग इस प्रोसेसर को भी जरूर कंसिडर कीजिएगा अगर आप लोग जो है ना वो i7 4790 लेने का सोच रहे हैं। एंड इसके साथ आप लोग फ्यूचर के अंदर 1660 सुपर तक भी इजिली जो है ना वो जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा कॉन्टेंट पसंद आ रहा होगा एंड आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन हो या आप लोगों को कोई भी सजेशन हो मेरी वीडियोस के रिलेटेड, या आप लोग मुझे बताना चाह रहे हो कि ये वाली नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर हो, तो आप लोग उसे कमेंट्स के अंदर भी मुझे बताइएगा एंड एज सून एज पॉसिबल मैं उस कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।
with